पद संख्या 152 एंड 153 एंड 154, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो 152 है लालू दाई थेरा वत्थू, द स्टोरी ऑफ थेरा लालू दाई। और इस गाथा के पीछे जो कंटेक्स्ट है वो है कि लालूदाई वाज अ भिक्खु हु वाज डिम विटेड एंड वेरी एब्सेंट माइंडेड। ही कुड नेवर से थिंग्स व्हिच वर एप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड। दस ऑन जॉयफुल एंड ऑस्पिशियस ओकेजन्स ही वुड टॉक अबाउट सोरो, एंड ऑन सोरोफुल ओकेजन्स ही वुड टॉक अबाउट जॉय एंड ग्लैडनेस। Besides, he never realized that he had been saying things which were inappropriate to the occasion. When he told about this, the Buddha said, "One like that Laludai, who has little knowledge, is like an ox." Then the Buddha spoke in verse as follows. तो ये एक वो है लालूदाई, वो थोड़ा कम ये जो पीछे वाली स्लाइड है जी, इसमें जो आपने नाम लिखा है इसमें एल के पीछे बिंदी है जी, तो बेलगेटी से बिंदी वुड नॉट बी लर देन। या यू राइट, लाडू दाई लाडू में भी लाडू, या वो फनेटिक लाडू दाई थेरा वत्थु। जी राजेंद्र जी, उसको देखना होगा और नीचे उसका क्या बनता है। इट शुड बी लाडू दाई, लिखा भी हुआ है आपने थेरा लालू दाई। नहीं, ये तो एक्चुअली इंग्लिश में तो लालू दाई लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको वैसे ही लिखा है, लेकिन ये हिंदी का शायद पड़ा हो सकता है। दर्शक अब क्या कह रहे हैं, ठीक है ये नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। इट इज रेड एज ल यूजुअली, तो इट इज दैट मराठी ल नो लाइक दिस, इट इज रिटन यूजुअली रेड एज ल ओनली। Okay, it's not the usual sir, जैसे वो चुंद थे पीड़ितो वाला में, पीड़ितो और पीड़ितो हम पढ़ते हैं शायद, maybe चुंद थे रे ने पीड़ितो में हम बताते हैं। Yeah, you can read it whichever way you like really। ठीक है sir, so जो story है वो यही है कि एक ऐसे भिक्खु की है जो थोड़ा सा absent minded रहता था, अच्छे से भगवान की शिक्षा में मन नहीं लगाता था, और इसलिए उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसको किस ओकेजन पर क्या बोलना है वो नहीं अच्छे से बोल पाता था। तो चूंकि वो ऐसा बिहेव करता था तो भगवान बुद्ध ने थोड़े टर्स एंड हा टर्स वर्ड उनको बोले समझाने के लिए। उनको जब शिकायत की गई कि जो लालू दही की तरह होते हैं, जिनके पास बुद्धि कम होती है, वो एक बैल की तरह हो जाते हैं, एंड देन भगवान बुद्ध ने ये वर्ड्स बोला, अपस्सुतायं पुरुषो बलिपत्तो वजीरति मनसानि तस्य बद्धन्ति पय्या तस्य न बद्धति। ट्रांसलेशन बाय भिक्खु सुजातो, अ पर्सन ऑफ लिटिल लर्निंग एजेस लाइक एन ऑक्स, देयर फ्लैश ग्रोस बट नॉट देयर विजडम। तो जो अज्ञानी पुरुष है या जो कम मेहनती है, लिटिल लर्निंग से तात्पर्य जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने कम सुना है, अपस्सुतायम, जिन्होंने भगवान बुद्ध को कम सुना है, अल्प मात्रा में सुना है, वो एक बैल की तरह उनका जीवन बढ़ता है आगे। उनका मास तो बढ़ता है लेकिन उनकी ज्ञान नहीं बढ़ता, उनकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। पहिया तो अपना जीवन जानवर की तरह बिता देते हैं। तो इसमें अजान का रिफ्लेक्शन मौजूद नहीं था। मैंने जो किया वो इसमें ये सोचते हुए किया था कि एक तो भगवान बुद्ध ने एडमोनिश किया है, तो उसके बारे में भगवान बुद्ध का क्या कहना है, और दूसरा कि हम सब भी प्रयास करते हैं, और अगर कई बार हमारा प्रयास अगर धीमा होता है तो हमारे को हम अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल मोड में चले जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ किया है, उसको मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। Being easy to admonish, able to accept well-intentioned feedback is one of the life's highest blessings, was taught by Lord Buddha. Without it, we struggle to make consistent progress because we are not very good in our self-assessment. Bhagwan Buddha ne bola hai ki jo thoda sa
जिस डांटने में आसान हो, जो अपने फीडबैक को ईमानदारी से दिया गया फीडबैक अगर आसानी से एक्सेप्ट कर ले तो ये लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उसके ऊपर, ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया था। क्योंकि हम अपना सेल्फ असेसमेंट खुद तो नहीं कर सकते, बट अ टीचर कैन ऑलवेज डू एंड समटाइम ही कैन रिब्यू अस। अनलाइक एनिमल एंड अपसुतयाम पुरुषो जो यहाँ पर यूज हुआ है, दोज हु हैव लिसन टू द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा प्रॉपरली एंड दे आर कॉल्ड अरिय सुतवा साबको वुड प्रेफर टू एज ग्रेसफुली प्रैक्टिसिंग एंड राइपनिंग इन धम्मा। तो जिन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं सुना है या कम सुना है या जो अभ्यास नहीं कर रहे हैं या जो जानवर की तरह उनकी तरह तो नहीं, लेकिन जिन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को प्रॉपरली सुन लिया है, जो आर्य सुत्वा सावक है, वो चाहेंगे कि उनका जीवन धम्म में पकते हुए कटे। टू बी स्किल्ड इन वर्ल्डली नॉलेज इज ऑफकोर्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हाउस होल्डर एज बी प्रेज इन मंगल सुत्ता, दैट इज accomplished in learning and craftsman skill with discipline high trained and speech that is true and pleasant to hear, these are the highest blessings. However, Buddha and current Dhammapada words is talking about improvement in the wisdom. So, isme Bhagwan Buddha ne specially paiya word use kiya hai ki hum ashtangik marg mein aage badhe. Although iska matlab jo worldly people hai ye nahi ki hame worldly knowledge gain nahi karni hai, lekin hum kai baar sara samay usme hi bita dete hain. Although worldly knowledge is very much important, जैसा कि मंगल सूत्र में कहा गया था, बाहुन च सिपय च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा ये सब मंगल उत्तमम। तो बाहुन च सिपय च में वही है कि हमारे को अपार विद्वता और स्किलफुल होना चाहिए, शिल्प कौशल ये सब आवश्यक है, बट वी नीड टू इम्प्रूव इन आर्य अष्टांगिक मार्ग एज वेल टुवर्ड्स पहिया। एज वी पुट टीचिंग सिंसियरली इन टू प्रैक्टिस we start to change and our paya start to improve, but we may not recognize the changes taking place because they do not always correspond to what we think they should be and we might feel disappointed. jab bhi hum bahut imandari se is abhyas ko karke aur usko apne jeevan mein utarte hain, hum definitely change hote hain aur hamari thodi pragya badhti hai, although hum usko kai baar wo chote chote changes ko samajh nahi pate kyunki hum jo sochte hain ki kuch aisa hona chahiye waisa nahi hota aur usme hum lagta hai ki हम भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि शायद हमारी उन्नति नहीं हो रही है, जैसे कि इसमें है कि बैल की तरह जीवन बीत रहा है। सो रादर लुकिंग फॉर सम वाओ मोमेंट्स, मॉडेस्ट इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इन कंडक्ट एंड इनर लाइफ सच एज अ ग्रोइंग सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल वन हैज बीन गिवन इन वंस लाइफ एंड इंक्रीज्ड जॉय इन गिविंग एंड शेयरिंग, अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स टू प्रिसेप्ट्स, अ नेचुरल एंड अनफोर्स्ड टर्निंग अवे फ्रॉम ट्रिवियल परस्यूट्स कैन बी major factor in inspiring consistency in dhamma practice, and if there is any special recipe for success in dhamma it is consistency. to hum kisi bahut wow moment ke liye ya nirvana moment ko talash karne ki bajaye agar hum apne sadhak ke roop mein chote chote incremental improvement agar dekhe jo hame mil rahe hain, jaise ki ek tarah se gratitude ki feeling badhna aur the joy of giving and sharing, एक दूसरे को दान देना और एक्सेप्ट कर लेना, एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू प्रसेप्ट शील के प्रति थोड़ी और अपनी स्ट्रॉन्ग करना अपनी इच्छा शक्ति, और जो ट्रिवियल परस्यूट्स ऑफ लाइफ हैं जो छोटे मोटे जिनका मेजरली भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से या धम्म बढ़ाने में कोई पार्ट नहीं है, उनसे अपने आप ही इच्छा कम हो जाना। So they can be these small these factors can be प्रेरणादायी हो सकते हैं हमारे लिए धम्मा प्रैक्टिस में, और वो हमें कंसिस्टेंट बनाएंगे, हमें रेगुलर बना देंगे। और अगर इस धम्मा प्रैक्टिस में कोई भी एक फॉर्मूला है कि सक्सेस कैसे पाते हैं तो वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। और सेम हम फिर से एक बार अपने चैंटिंग बुक में चलते हैं, द वर्ड्स फ्रॉम 10 सब्जेक्ट्स फॉर फ्रीक्वेंट रिकलेक्शन बाई वन हु हैज गॉन फोर्थ। तो बार बार अनुस्मरणीय 10 विषय भिक्षुओं के लिए, बार बार अनुस्मरणीय 10 विषय, एग्जॉर्ट अस टू स्पेंड अवर डेज वाइजली, वो भी हम पढ़ते समय हमें प्रेरणा देता है जब हम पढ़ते हैं, कथम भूतस्मरंतिं दिवा वीति पतंती पब्बजतेन अभिन्नं पच्चवेक्षितव्यं, द डेज एंड नाइट्स आर रिलेंटलेसली पासिंग, हाउ वेल एम आई स्पेंडिंग माई टाइम, दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड अपॉन अगेन एंड अगेन by one who has gone forth.
ये मैंने इसमें अगर किसी को अभी कोई प्रश्न है तो या कुछ अपना ऑब्जर्वेशन है तो रख सकते हैं। तो इसका फोन थोड़ा छोटा रह गया, मैं बड़ा बात सर इज इट विजिबल With some effort, it can be seen. Yeah. मैं बड़ा कर दूं सर इसको? ठीक कर सकते हो अगर पॉसिबल है। Just a minute. ये जो बैल का पाली शब्द है वो बलिवद्धो होता है क्या? बलिवद्धो, बलिवद्धो वद्दो है ना, इसमें ब लिखा हुआ बलिवद्दो, मैंने पढ़ा मतलब देख रहा था मैं, यू हैव टू सी फ्रॉम डिक्शनरी एग्जैक्टली, मैं डिक्शनरी में ही देख रहा था तो उसमें बलिवद्दो लिखा है। ठीक सॉरी सर, वो एक्चुअली कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे ही रख दो, कोई बात नहीं, कीप इट लाइक दैट। अब तो और छोटा कर दिया तुमने। जी सर, अब अभी भी हो जाएगा सर, अभी हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा दो ना। जी सर, इसको हटा दो, एक ये जो दिखा ना पाली, ये हटा दो तो अपने आप जगह आ जाएंगे। जी सर, अभी मैं उसको चल आई डोंट म्यूट। या ठीक है, देन वर्स 153-154 उदान वथु, ये एक साथी है जिसको हम पढ़ते हैं। दिस इज द स्टोरी कंसर्निंग द वर्ड्स ऑफ एक्सल्टेशन ऑफ द बुद्धा। तो भगवान बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्ति के बाद जो शब्द बोले थे वही वर्स हैं ये, इनको हम अपनी पुस्तिका में भी पढ़ते हैं। So context hai, these two verses are expression of intense and sublime joy felt by the Buddha at the moment of attainment of supreme enlightenment. These verses were repeated at the Jetavara monastery at the request of the venerable Ananda. Bhagwan Buddha ne jo ye shabd bole the samadhi moksh nirvan prapti ke uparant, unhi words ko hum padhne ja rahe hain, aur in padon ko fir se ek baar dohraya gaya tha Jetavan monastery mein jab Bante Ananda ne request kiya tha. अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिविसंग गहकारं गवेषन्तो दुःखा जाति पुनः पुनं गहकारक दिट्ठोसि पुनगेहं नकाहसि सबाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखतं विसंखार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगा। Translation by Bhikkhu Sujato. Transmigrating through countless rivers, I have journeyed without reward, searching for the house builder. Painful is birth again and again. I have seen you, house builder. You won't build a house again. Your rafters are all broken. Your roof peak is demolished. My mind set on demolition has reached the end of craving. Is kaya rupi ghar ko banane wale ki khoj mein मैं बिना रुके अनेक जन्मों तक भव संसरण करता रहा, किंतु बार बार दुख में जन्म ही हाथ लगे। ए घर बनाने वाले, अब तू देख लिया गया है, अब फिर तू नया घर नहीं बना सकता। तेरी सारी कड़ियां टूट गई हैं और घर का शिखर भी विसंकलित हो गया है, चित्त पूरी तरह संस्कार रहित हो गया है और तृष्णाओं का क्षय प्राप्त हो गया है।
इसमें जो कहा जा रहा है ए घर बनाने वाले, इसका क्या तात्पर्य है ये समझ में नहीं आता। तो ये देख लिया गया है रेफरिंग टू मारा, जो हम पर्सोनिफाइड करते हैं हमारी जो डिफाइलमेंट्स को, इस मारा दे घर बनाने वाला। He is referring to the traditional belief in God. That's what I was thinking. Is it? He's being referring to the traditionally the belief has been that God is creating us. Hmm. So he's saying that it's there's no God who is creating. Actually, sankharas are creating. Hmm. That's how we understand. I mean, of course, you can understand some other ways also. It also be referring to craving prasadhar. Because ultimately, once Tishna ka kshay ho gaya hai, to... Yeah, that is the ultimate end of it. But shuru mein jo aata na, first sentence mein. Main baar baar ghar banane wale ki khoj mein. Haan, khoj mein. Correct. Matlab purani baat kar rahe hai. The first, ye do verses hai na actually. जी अलग अलग करके देखेंगे घर को बनाने वाले की खोज में। तो ट्रेडिशनल बिलीफ तो वही रहा है ना भारत वर्ष में। तो इसका अब तात्पर्य क्या होगा कि अब तू देख लिया गया है, अब poetic expression कि I have seen that there is no God doing it. So this clearly says that there is no God. Yeah, of course. तो कह रहे थे ना कि बीच में the Buddha was not clearly saying whether there is God or no God, but here it is very clearly said. People have different ideas, you know, you can always find some sutta and interpret in some way. So, Qurani bhasha ko interpret karne mein, people interpret in so many different ways, we can see it. You know? Because we hail from the same tradition. The way Thai forest tradition interprets and the way Sri Lankans interpret or traditional orthodox Buddhism is, there's a difference. So, it's a question of interpretation really. And then verification from our experience, practice. And clearly तो नहीं बोला इंद्र जी, घर बनाने वाले बोला है। Clearly बोलना होता तो भगवान ही बोल देते। इसमें भी नहीं बोला है clearly। He has used some words, है घर बनाने वाले। But yes, ऐसा काया रूपी है ना, देखो घर को काया रूपी घर कहा ना। जी। So point ये है कि there is some supernatural power which is creating it. I mean, which is okay, fine, thank you. But sir, supernatural power deny bhale kiya ho, lekin Bhagwan Buddha ke paas khud hi supernatural power thi, right? That's not some, we call for us it is super, humare liye supernatural hai, unke liye to nahi thi na. Exactly. Because not uniquely with him, there was so many people. So many people had similar powers. Yeah. It's only a degree might have been more. Because it's just like somebody having the difference in degree of worldly knowledge between people. Yeah. So it's we call it supernatural because humare liye supernatural hai. So it's not normally found in people. So we call it that way. But it is natural. There's nothing unnatural about it. It's only a question of developing those skills. अब हमारे में कार को रिपेयर करने की स्किल नहीं है ना, but we don't call it supernatural. We say it is skilled person, and we know we can also train in that. So, I mean, supernatural power exists. That's for sure.
what I'm saying is there's nothing like supernatural. It is just a way of addressing it because of our limitation, because of the limitations of the human beings in general. जैसे हम कहते हैं ना कि ये आइंस्टीन वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट देन मोस्ट ऑफ अस, सो इट डजंट मेक इट सुपर नेचुरल इन द सेंस ऑफ सम एग्जॉटिक थिंग और समबडी हैज एक्सट्रीमली हाई मेमोरी एंड वी से इट इज, सो इट्स अ मैटर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रादर देन something which is not possible for others to gain. Right, sir. जैसे छह अभिन्यास जो प्राप्त होती हैं, right? Yeah. So there is a well laid out procedure for that. आप करिए. Yeah. True, sir. Thank you. तो इसमें जब मुझे reflection का मैंने सोचा तो मुझे मन में यही ख्याल आया कि जो इस तरह का इंटेंस जॉय है वो तो भगवान बुद्ध ने अनुभव किया, लेकिन हम एज ए पुथुजन और या अभी जो प्रयास कर रहे हैं उनको इतना इंटेंस जॉय तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो जॉय मिलता है धम्मा प्रैक्टिस में उसके बारे में मैंने कुछ शेयर किया है, और साथ ही मैंने एक येलो पेज भी साथ में शेयर किया है, क्योंकि वो पूरा का पूरा अजान जयसारू ने एक लेडी के बारे में शेयर किया है कि उनको कैसे आनंद प्राप्त हुआ, तो उसको भी मैंने इंक्लूड किया है. द वर्सेस अटर्ड बाय सम्यक संबुद्ध एट द मोमेंट ऑफ अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम इलाइटनमेंट और सिमिलरली लायंस रोअर अटर्ड बाय हिज डिसाइपल्स लाइक वेनरेबल सारिपुत्ता आर सो मच इंस्पायरिंग टू ऑल प्रैक्टिसिंग धम्मा डिवोट ऑल प्रैक्टिसिंग धम्मा वॉरियर्स. मे बी जो सम्यक संबुद्ध के इस तरह के शब्द हैं, और या फिर हम लिटरेचर में सारिपुत्र की लायंस रोअर को सुनते हैं, तो वो बहुत ही इंस्पायर करते हैं हम सबको कि वो कैसे विजेता होते हैं और कैसे अपने डिक्लेरेशन करते हैं. वी एट दिस स्टेज ऑफ अवर प्रोग्रेस वुड नॉट फील सच इंटेंस फीलिंग ऑफ कंप्लीट लिबरेशन, बट द सब्लाइम जॉय व्हेन वी डिसाइड टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ शील समाधि पहिया कैन ऑलवेज बी फेल्ट बाई एवरी सिंसियर प्रैक्टिशनर. हम जरूरी नहीं अभी ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं कर पाएंगे उस इंटेंस फीलिंग को जो कंप्लीट लिबरेशन पर आती है, लेकिन जो एक सूक्ष्म सुख मिलता है जब हम धम्मा के शील समाधि प्रज्ञा के पथ पर चलते हैं, तो वो एक हर ईमानदार अभ्यास करने वाले को प्राप्त होता ही है. तो उसी का एक लाइव वर्णन अर्जान जयसारू ने किया था एक बार, उसको मैं शेयर करता हूँ और मैं उसको पढ़ भी देता हूँ, हिंदी में बता भी देता हूँ. द अदर डे आई रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम एन एल्डरली लेडी हु आई हैव नोन फॉर ओवर 30 ईयर्स. She is in her mid-80s now, but her mind is still bright and sharp, and she has the calm demeanor and good humor of one who has been practicing Dhamma for a very long time. Ajayan Jaisaru ko ek kafi proud stri ne visit kiya tha, jinko wo 30 saal se jante the. Abhi wo itni boodhi hai ki lagbhag mid-80s mein aa gayi hai, 80 se 90 saal ke beech mein hai, lekin unka man mastishk abhi kafi clean hai, clear hai aur tej hai, और उनका बड़ा ही शांत स्वभाव है और बड़ा अच्छा ह्यूमर का सेंस भी है, जैसे कि ये सब उनके लिए संभव ही है क्योंकि वो धम्मा को प्रैक्टिस कर रही है काफी लंबे समय से. नाउ उन लेडी का यंग का बता रहे हैं, एज ए यंग वुमेन शी हैड ए स्पार्कलिंग कैरियर एंड वाज ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ हाई सोसाइटी. हर लाइफ टुक अ रेडिकल एंड अनएक्सपेक्टेड टर्न आफ्टर मीटिंग अजान फन, वन ऑफ द ग्रेट डिसाइपल ऑफ अजान मन. One day, she went to further her meditation practice in a forest monastery in a remote part of northeast Thailand. She never left. Now, 45 years have passed and she is very happy with the way her life has turned out. So, maybe around 40-35 year ki age mein, as a young woman, unka kafi acha career tha aur wo society mein kafi prominent member thi. Lekin, jab wo ek bar Ajahn Fun se milne gayi, jo ki Ajahn Mun ke ek disciple the, और उन्होंने अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए फॉरेस्ट मोनेस्ट्री ज्वाइन की, तो उनको वहाँ पर इतना आनंद आया कि उन्होंने उसको छोड़ा ही नहीं, और अभी 45 साल बीत चुके हैं और वो खुश हैं इस तरह की उनकी प्रगति से. सॉरी. एज बी रेमिनिस्ट वी रिकॉल हाउ सी फेल व्हेन शी फर्स्ट स्टार्टेड लिसनिंग टू अजान फंस टीचिंग. शी सेड दैट ड्यूरिंग द डे व्हेन शी वॉज एट वर्क
Whatever she was doing, she would feel that her heart was smiling. As I listened to her, I thought, yes, that is it. That is exactly it. This joy in the Dhamma is a precious thing. Recognize it and nurture it. It is a true diffusing. तो जब वो दोनों ने मिलके बैठ के अभ्यास किया, एक पुरानी चीजों को याद किया, अजन जय सारो और उस लेडी ने, उन लेडी ने, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार अजन फन की टीचिंग को सुना, तो जब भी वो अपने काम पर जाती थी तो उनको ऐसा लगता था जैसे कि उनका हृदय मुस्कुरा रहा है. अजन जय सारो ने भी इसका अनुमोदन किया कि एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है. सो ये जो जॉय है धम्मा प्रैक्टिस का और सही रास्ते पे चलने का और विकारों से बच के रहने का या उनको हैंडल करने का, वो हमें समझना चाहिए और उस पर हमें पोषण उसको देना चाहिए. और दैट्स अ ट्रू रिफ्यूज, ये सच्ची शरण है. तो ये मुझे एक काइंड ऑफ अचीवमेंट है जो हम अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए. सो दिस इज आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू पीपल. अगर आपको कोई प्रश्न, आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है तो आप लोग बता सकते हैं. हेलो सर, ये नाम मैंने पहली बार ही सुने, अजान फन और अजान मन. इज इट FANMN? मतलब मैं आई एम नॉट वेरी मच ऑल द टाइम फैमिलियर. तो अजान मन की तो सारी हिंदी, अजान मन का नाम सुना. यू आर राइट बट उनके ऊपर अजान फन भी इज वन ऑफ द. And even Ajahn Chah had gone to pay respects to him as he was very senior. बहुत सारे teachers रहे ना, हम लोग एक एक दो से familiar हैं, but there were large number of disciples of Ajahn Mun who were thought by people to have become arhants. So, जब मैं उनकी monastery में गया था, one of his monasteries, उसमें photo लगी हुई थी करीब 15-20-25 लोगों की. And the person they are told they are all supposed to be his great disciples. Usme Ajahn Chah bhi the, but there are other 15-20. I remember exactly. Kafi lambi diwar ke upar photo lagi thi. So he had a very great impact on Buddhism in Thailand. Yes, sir. Thank you. Shuru unko bhi kafi. People didn't accept him because he taught differently. And there were a lot of resistance from the organized clergy of the place. But dheere dheere people started understanding. You are referring to Sir Ajahn Mun? Mun. Unki monastery mein gaye. Unki koi fixed monastery nahi thi wo. He never stayed in one fixed place. But two, three monasteries where he was prominently rehte the. One where his mrityu was, one where his daasanskar was, and one where he was quite active. So we went to three places. From one of them, there was quite a photo. Okay, sir. Thank you. तो सर फिर आपकी अनुमति है हम उसमें मेडिटेशन के लिए बैठते हैं.